आंध्र प्रदेश में देश के विभिन्न हिस्सों से आए गांजा तस्करों को अपराधियों और परीक्षण के तहत हिरासत में लिया गया है। तस्करों में 35 से ज्यादा महिलाएं शामिल है और इनमें से कुछ फिल्मी सितारे और मॉडल भी है, जो पर्यटकों के रूप में गुमराह करती है, क्योंकि वे कुछ अच्छे पैसे और घर बनाने की उम्मीद से गलत रास्ते को चुन लेती है। जेल के अधीक्षक डॉक्टर वी श्रीनिवास राव ने कहा कि कैदियों की कुल संख्या करीबन 1100 है और उनमें से 750 गांजा तस्कर है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। डॉक्टर राव ने कहा कि सरकार उन्हें कानूनी सहायता प्रदान नहीं कर रही लेकिन फिर भी ऐसी घटना बढ़ती ही जा रही है। और साथ उन्होंने कहा कि वे महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान और तेलंगाना से भी आते हैं। जेल के अधीक्षक डॉक्टर वी श्रीनिवास राव ने कहा कि कैदियों की कुल संख्या करीबन 1100 है और उनमें से 750 गांजा तस्कर है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। डॉक्टर राव ने अपने विस्तारित प्रवास के कारणों को समझाते हुए कहा कि हालांकि सरकार उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करती है, अभियुक्त नगद प्रतिभूति प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, जिनकी अदालतें आग्रह कर रही है।